नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। धार्मिक नगरी उज्जैनी में शिप्रा नदी के रामघाट पर आज सोमवती अमावस्या व स्नान करने का अति महत्व माना गया है। ठंड होने के बावजूद यहां आज सुबह से श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु नदी में स्नान कर भगवान को खुश करने के लिए मंदिर में विशेष पूजन अर्चन कर रहे हैं। आज के दिन शिप्रा नदी के तट पर पूर्वजों की आत्म शांति के लिए किए गए पूजन का विशेष महत्व माना गया है। शिप्रा नदी पर आज दूर दूर से लोग स्नान दान के लिए आ रहे हैं। खासकर यहाँ ग्रामीण जनों का तांता लगा हुआ है। हालांकि कोरोना संक्रमण का असर यहां दिखाई दिया, पूर्व के वर्षों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या कम दिखाई दी है। सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व रहता है। सोम कुंड पे भी आज स्नान करते हैं और शिप्रा में भी स्नान किया जाता है। यहां दीपदान, पिंडदान और अपने पितरों का तर्पण किया जाता है। कोरोना काल को देखते हुए संख्या कम है क्योंकि लोग भयभीत हैं कोरोना से, महामारी से। इसीलिए यहाँ प्रार्थना की गई है शिप्रा जी का अभिषेक पूजन करके के माँ शिप्रा जल्दी ही कोरोना जैसी महाबीमारी दूर हो और समस्त विश्व का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना की गई है माता जी का अभिषेक पूजन करके। यहाँ पीपल के फेरे भी दिए जाते हैं, स्त्री 108 फेरे देती हैं महिलाओं ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अजय जोशी कुंडवाला।